बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करना है कि तुम सारे ठीक हो सो, जिथा हो सो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो अमानी चो सो, तो जड़ी अपने लिए ज़िंदगी आओ ऐसे तरीके नाल गुजारी रहे हो सो। नाज़रीन इकराम, इस टाइम में मौजूद हाँ दड़ा, अज साड़ा ट्रिप है पटेड़ी नी जानब। जनाब असा पटेड़ी जासा और जड़ा इतों मेन रोड पर लिंक रोड किरना पटेड़ी जाना, असा उत्थे मौजूद हाँ। इस इलाके ने तुसा की थोड़ी जी लोकेशन चेक करासा तो फिर अपने सफर ना आगाज करसा। तुसा एक कम करो, साढ़े चैनल के सब्सक्राइब करी छोड़ो ताकि जड़ा तुसा ना तो साड़ा साथ है वो बरकरार रहे। जी नाज़रीन इकराम, तो बिल्कुल मैं उस जगह मौजूद हाँ कि जिथे साढ़े सफर ना आगाज हो सी पटेड़ी। असा जासा ये जनाब इस साइड पर चढ़ोई रोड जानी है, इतों चढ़ोई रोड जानी है और इस लिंक रोड जड़ी पटेड़ी जानी है, ठीक है। माशाल्लाह सब तो पहले इतने एक मदरसा है और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मदरसा है। इसका नाम है जामिया तुल अलूम अल इस्लामिया, ठीक है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मदरसा है और आज़ाद कश्मीर एक पॉपुलर मदरसा है और एक बड़ा मदरसा है। आज़ाद कश्मीर बर तू अच्छी तरह तालिब इलम इतों जेवर तालीम तू आरास्ता होने और अपनी तालीम मुकम्मल करने और जनाबे वाला माशाल्लाह ये जड़ा ना एक इस इलाके की पहचान है और बड़ा ही कमाल ना इतने निज़ाम है। उस तो बाद जनाब जड़ा साड़ा सफर ना आगाज़ उसी इस मदरसे को जनाब अहले सुन्नत वल जमात ने ये अजीम दीनी दरसगाह आ, तो इतों जनाब चढ़ोई रस्ता जाना, यह जो रस्ता है चढ़ोई जाना, चढ़ोई इतों 14 किलोमीटर की मसाफत पर है और रस्ते ही जड़े इलाके अच्छे उसने मतियाल अच्छा, दरियाला अच्छा, बंथल अच्छा और घोड़ा अच्छा और गंगेसर भी ये रोड जानी है जनाबे वाला। इतों गंगेसर 5 किलोमीटर दूर है, ये रोड गंगेसर जानी है, एक अलग रोड है वो भी गंगेसर जानी है और जनाब जड़ा इतों पटेड़ी है तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है और असं इस टाइम जिते खलते हुए दड़ा जरा गोल निशान अच्छा दड़ा दड़ा अस खलते हुए, तो हूँ साढ़े सफर ना आगाज़ उसी इस रोड पर अपना सफर अस शुरू करने। इस तरह में पहले उसके बया सी कि बड़ा खूबसूरत मदरसा है और इस मदरसे ना इंट्री पॉइंट है, गेट है जिथे इस मदरसे ना नाम लिखा जामियातुल उलूम अल इस्लामिया दड़ा कोटली आज़ाद कश्मीर, ठीक है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इंट्री पॉइंट है, तो इस जनाब बड़े खूबसूरत बूटे शूटे भी लगे हुए इधर और इस रोड पर साढ़े सफर ना आगाज़ उसी। बिल्कुल नाज़रीन इकराम, असा इस रोड ना सफ़र तय करने तो बाद ऊपर बिल्कुल टॉप पर पहुंची आए हैं जितों नाड़ ने मुख्तलिफ इलाकिया ना व्यू नज़र अच्छा पिया और माशाल्लाह इस इलाके च मैं अच्छी तरह एक गल बड़ी ज़बरदस्त तरीके ना महसूस की है कि इतनी जड़ी सोसाइटी है जड़े इतनी कम्यूनिटी है वो जंगल नी जड़ी है ना हिफाजत पर वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने, क्योंकि इतने चीड़ा ने निके निके बूटी उसनी पनीरी इतनी ज़बरदस्त मोली भी है और माशाल्लाह एक बारी तक्की तो उसकी दिल खुश हो जाना और मैं अप्रीशिएट करना है इन लोगों की कि जड़े इस जंगल की हिफाजत करने और तकरीबन 15-20 साल हो गए इस एरिए जड़ी है ना अग वो नहीं लगी जिसनी वजह तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और माशाल्लाह बड़ा एक खूबसूरत मंजर है और खूबसूरत चीज़ा नज़र आ रही, नेचुरल ब्यूटी नज़र आ रही है। छोटे छोटे दरख्त है उन्होंने नाल जरा का आ वो इसलिए बिल्कुल अरूज अपर है कि उसकी कटिया जाए वो सारे मामला इतना नज़र आ रहे और माशाल्लाह एक सुकून नज़र अच्छा पिया वा। तो रोड नहीं वीडियो में इसलिए नहीं बनाई कि मैं एक मेन रोड पर गड्डियाँ चलाना है, ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाना है, गड्डी भी चलाना है, इतने मैं अगर इतने पौड़ी मोबाइल और वीडियो नशा बनाई सकना। तो हूँ मैं इसकी उपर तुसा कि रोड ना तो जड़े इलाके इतों नज़र अच्छे पे मैं उसे चेक कराने की कोशिश करसा। यह तकी सकने हो कि यह जनाब जड़े मुख्तलिफ तुसा की कंक्रीट पे भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रोड नज़र अच्छी पे भी ये सारा मैं सफ़र तय करी आया हाँ इस रोड पर और हूँ माशाल्लाह इतों जड़ा ना बड़ा खूबसूरत मंजर नज़र अच्छा पे वा पार सामने जड़ी है उसकी पीर दुर्गनी पहाड़ी आने और माशाल्लाह उस साइड पर भी यह जंगल है ना जड़ा काफ़ी बेहतरीन नज़र आई रहा और ख़ास तौर पर कुछ जगह पर उसने कि इतों का कटिया हुआ भी नज़र आई सकना। इसकी मैं जूम करी तो दसने की कोशिश करना है, ऐप चेक करो माशाल्लाह और उस तो बाद नीचे तको जी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त मकान तैयार होए हुए और आई थिंक इस जगह ना ना दड़ा ची अच्छा है लेकिन इसकी पैलियाँ वगैरह या कोई इस किस्म ना ना है इस एरिया ना और ये मनाजर सही नज़र आई रहे। बाकी जनाबे वाला इस साइड पर कुछ आबादी है जी नज़र अच्छी पे भी है, मकान नज़र अच्छे पे वैसा कोशिश कर सकें अगर जुली उन्होंने सारे कि चेक कराने जी मैं गुजरी रहा सा तो मोहसन साहब और उन्होंने नाल फैजान साहब है ये आई थिंक के माड़े ख्याल ही जुम्मा पढ़ने की तैयारी चाहिए असा भी इंशाल्लाह कोशिश कर सीचे जड़ा मदरसा है तुसा उत्थे जुम्मा पढ़ा। तो फैजान साहब तुसा एक गल बाओ केड़ी जगह रहने हो? असा सिंबल। सिंबल तुसा ने ग्रां ना आया? जी हां। ते स्कूल जाने हो? जी हां। केड़ी क्लास विच पढ़ने हो? मैं 7वीं। 7वीं पढ़ने हो? तुसा केड़े स्कूल पढ़ने हो?
मदरसे ही पढ़ने हो ते तुसा ना जनाब असा स्कूल छोड़या होए दड़े का कपड़े का कपड़े हो माशाल्लाह कुछ ना कुछ करने ते कितना कार सुने केड़ी जगह सकनावन इस जगह ना क्या नाम है सकनावन सकनावन ए सकनावन है गप टेड़ी ए जड़े सफेद मकान भी नजर अछना पिया वा ए केड़ी जगह है सकनावन इसकी सकनावन आखने ते इस साइड पर पटेड़ी है पटेड़ी मतलब कोई कसी पेनी रास्ते च ऐ जनाब इस साइड पर जरा इलाका नजर आई रहा सका नावन नया और इस साइड पर जरा इलाका नजर आई रहा वो पटेड़ी नया पहला उस साइड पर है ठीक है तो बाकी ये गल मी बाओ के मैं तकिया माशाल्लाह इथे आग शा काटे लगनी है तुसा जंगल ना इधर काटे लगनी है उधर उस बैक पर लगनी है उस बैक पर भी जड़ी आग लगी सी वो बाजार वाली साइड तो लगी सी इस साइड पर नहीं सी लगी लेकिन माशाल्लाह उस आग तो बाद काफ़ी ग्रीनरी हो रही है लेकिन जो नुकसान है वो नुकसान ही है तो बहुत शुक्रिया जी तुसने विलाग ही शामिल हो तो जाओ तुम जुमा पढ़ो तो साढ़े इसते भी दुआ करें ठीक है जी जी माशाल्लाह जल्द असा टॉप पर अच्छा तो अगर आबादियां शुरू हो जानियाँ और सामने जनाब बार माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मकान है और इस साइड पर कब्रस्तान है ए जनाब पटेड़ी दाखिल होता पहला कब्रस्तान आई जाना है ये कब्र इतें तो यह रोड जनाब अगे जानी है ए जनाब अस पहुंचे हैं कब्रस्तान को सब तो पहला कब्रस्तान है ये जैसे ही तुम पटेड़ी आओ तो सब तो पहले ये कब्रस्तान अछनाया और इतने अस कब्र चेक करो माशाल्लाह जी पहले मैं वह पार जो इलाका से उतें सूँ इतना माशाल्लाह इतने आई थिंक चौधरी खालिद साहब और घर है इतना मौजूद है और इतने जनाब का ना सीजन रूज पर है जनाब का कप्पी तो सिखाई रहे और माशाल्लाह क्या ही मंजर है इतने बकरियां शकरियां बदिया वा माल शाल भी बदा वा और यह जनाब चेक करो तुम माशाल्लाह जी इस टाइम तुम पटेड़ी ने मनाजर तकी रही हो एक उच्ची जी कोठी है उत्थे खलते हैं वीडियो बनाई रहे हैं बड़ा खूबसूरत कोठियाँ हैं और बड़ा ही खूबसूरत माहौल माशा यकीन जानो कि एक बार दिली सुकून इस टाइम ये जी जगह पर चीते इन्हें कोठियों जो ज़्यादातर लोग इंग्लैंड ने अंदर आबाद है और कोठियाँ अक्सरीती मरहयाली बंद हो सन या कुछ ही कोठियाँ हैं जिते कोई रहना हो सी और इस साइड पर जनाबे वाला रोड जानी पी रोड तो पार वाले मनाजर तुम चेक करी रहे हो और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मंजर है इतने एक मस्जिद भी है और बाकी जनाब वाला है जनाब काशा पाई और सकाई रे और माशाल्लाह क्या ही बात है माशाल्लाह जी जड़ी मक्का की फसल है वो बड़ी खूबसूरती नाल तैयार हो रही है और बिल्कुल इसकी ये भी कटने ने मराइली च है और इतने सामने केले ने बूटे भी लगे हुए और अंबा ने बड़े बड़े बूटे और इन ऐ जनाब सो चेक करो और इस तरह बेशुमार बूटे आई थिंक के बड़ी तादाद जिते ये दरख्त मौजूद है जिन्हें नल बड़ा अच्छा अंब लगना है और पूरे अज तो कुछ अरसा पहले पूरा नाड़ इतों अच्छी अंब खन्ना होना सी हूँ पता नहीं लोग खन्ने या नहीं खन्ने पर यानी कि ये जगह मशहूर है कि अंबा ने बहुत बड़े बड़े बूटे तो ऐ जनाबे वाला माशाल्लाह ऐ चेक करो फसल इस नज़ारा किन्नो कि बड़ी ज़बरदस्त फसल है खुम्मा नाल लगिया हुआ इसने और क्या ही बात है और क्या ही मंजर है ऐ जनाब कोई सी एच जानदाद है उसने बाहर असाया और इस साइड पर भी काफ़ी दिलकश मंजर नज़र आ ही रहा और इस साइड सामने बंगले वगैरह मकान वगैरह उसमें बनते हुए नज़र अच्छे पे वे जड़े दरख्त लगे हुए ये बकरियां ने चारे इसते इसकी इनके इस्तेमाल करने और इस साइड पर पीछे एक बड़ी तार है ठीक है इस तो पीछे एक और इलाका आई जाना उसकी जराई इस तो पीछे जराई बाजार रचना लेकिन उस तो पीछे जड़े कुछ इलाके चौक साहिबा वगैरह भी इस तो पीछे आ ये बड़ी तगड़ी पहाड़ी है वो बाजार तो कोलू शुरू होनी है तो टोटल अगर चढ़ोई तक जानी है जना फसल चेक करो उस और अगर अस जुले हैं इसे तरह चेक कराने कराने माशाल्लाह जी पटेड़ी एक प्राइमरी स्कूल भी अस इतना पहुंचे हैं और इतना कोई काम शाम हो रही है चार दीवारी प्लस्तर हो रही है और बाकी टाइलिंग वगैरह लगी रही है नहीं क्या तू स्कूल पढ़ना है कितनी पढ़ना है पहली तो ये क्लासा शलासा कितनी क्लासा हैं इतना पाँच क्लासा पंजवीं जी स्कूल है ये तो माशाल्लाह इसने कम हो रहा है
पहले इसने लात नहीं लगना खराब सी था हूँ बेहतर हो गया आस्ते आस्ते माशाल्लाह वाह बिल्कुल जी स्कूल ने हवाले नाल मैं इतना अच्छे मकसद यह कि स्कूल अच्छे की बुनियादी वजह से कि पटेड़ी तो गंगेसर ने जितने भी लोग गए मैं उन्होंने तू रिक्वेस्ट कर सकता कि स्कूल ना लाजमी तामल करो क्योंकि जल्द बच्चे पढ़सन और उनकी पन्ने दी बुनियादी चीज़ा लभसन तो वह इतना मामला ठीक हो जासन इतना टीचर की भी कमी है इतना एक टीचर है जिस समय पहले उसने बया कि केलिया ने बूटे बूं ज्यादा लगे हुए तो इस तरह केलिया ना झरख भी बूं ज्यादा लगने पे वे इतना भी बेशुमार केले जहाँ झरख लगे हुए इतना तो काफ़ी ज्यादा लगे हुए सर पर यह जो सामने नज़र अच्छा पे केले ना झरख वो मैं तुम चेक कराना है ए जनाब चेक करो माशाल्लाह काफ़ी बड़िया बड़िया फलियां हैं इतना यह रोड लिंक कुछ ने कार जानी उसी इतों कुछ केला कप्पी तो दबिया भी है माशाल्लाह क्या ही बात है माशाल्लाह जी अगर गंगेसर पहुंचे और इतने बहुत ज्यादा घने जड़े ना झीड़ने दरख्त और यानी कि बहुत ज्यादा दरख्त है छोटे भी बड़े भी यानी कि अनलिमिटेड है इे जो जंगलात अगर जाओ रावला कोट बंजोसा खाई गला इन एरिया नज़र अच्छे पे वे इे दरख्त ज्यादा उधर नज़र अच्छे लेकिन इतना भी माशाल्लाह इतने लोग जंगलात नहीं काफ़ी केयर करने पे वे और बहुत ज्यादा दरख्त है इतना और माशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट है इतना बाकी इस साइड पर जनाब फिर हर पास मक्का नहीं फसल है जिस नहीं है ऐ जनाब पार सामने मकान है और माशाल्लाह बड़िया जबरदस्त कोठियां बनती वा यह आ गंगेसर ए जनाब सामने पीछे तार है इतों एक रोड भी जानी है ए जली जगह है इतों रोड जानी है सामने ते ऊपर पीर भी है एक ए दरबार है ए तुसें के नज़र हो सकना आयरी भी इन चीड़ों को बड़ा ही खूबसूरत मंजर है इतने भी और बड़ा एक दिलकश नज़ारा आ ते असं कोशिश कर सकें कि अग्गे जुला तो अग्गे जुली मजीद तुसें कि कुछ चीज़ा चेक कराओ माशाल्लाह माशाल्लाह जनाबे वाला गल कुछ इस किस्म नहीं है मैं पहुंचा या गंगेसर ठीक है जल मैं गंगेसर पहुंचा तो मैं सोचा अग्गे जुला तो अग्गे जल मैं आया तो एक बड़ा बेहतरीन रोड उपर अच्छा पाया वा यानी कि रस्ते है मुश्किल है लेकिन बेहतरीन रोड है मतलब जबरदस्त किस्म की पक्की रोड है लुक पे भी है ठीक है बड़ा ही माहौल सी तो मैं उपर आई गया मैं चलो इंजॉय करने हैं माशाल्लाह जनाबे वाला है जल्द नीचे मनाजर है गंगेसर ने और क्या ही बात है ऐ जनाब इस रस्ते में नीचे सा तो तुम कि चेक कराना सा और ऐ जनाब चेक करो नीचे ना मंजर तुम्हें बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आई रहा है और क्या ही बात है इस मंजर ने बहुत ज़्यादा चीड़ा ने दरख्त है और माशाल्लाह मकान चेक करो किस तरह खूबसूरती नज़र आई रही और मक्के नहीं फसल ही फसल हर पास तुम्हें नज़र आई रही है मैं यह जी रोड है ना इसने सफर करता आया यह जी मकान तुम्हें नज़र आई रही और जिस तरह मैं गंगेसर ने जंगलात ने बारे तुम्हें पाया सी यह जनाब चेक करो माशाल्लाह क्या ही मंजर है और इस जगह तो तकरीबन मुख्तलिफ इलाके नज़र अच्छे पे वे ब्राटला किजलानी नाड़ ने तकरीबन हर इलाका इतों नज़र अच्छा पाया वा और यह जनाब गंगेसर तो ऊपर इलाका आ और माशाल्लाह इतने बकरियां भी इतने बैठी वा बिल्कुल आराम दे माहौल और टॉप उपर में आया वे और क्या ही मंजर है और क्या ही बात है माशाल्लाह बिल्कुल नाज़रीन किराम बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही दिलकश और बड़ा ही प्यार वाला इत्थे नज़ारे और मैं पहली बारी जिंदगी जित्थे आया हाँ तो चेक किया कि माशाल्लाह साढ़े इलाकों च बहुत ज़्यादा जी ना खूबसूरती है इस साइड पर भी जनाब गंगेसर ने इलाके से नज़र आई रहे और ऐ जनाब चेक करो बिल्कुल असा टॉप पर पहुंचे हैं गंगेसर ने तो इतना एक दरबार है इस दरबार पर बूटा भी लगा हुआ और मुख्तलिफ कुले शुले पे हुए इतना गला भी है इतना पैसे आना और माशाल्लाह चेक करो जी इस साइड पर जी बाकी इलाके नज़र अच्छे पे हुए बार चिड़े भी है और माशाल्लाह ऐ जनाब अगे जिस तरह मैं स्टार्टिंग पटेड़ी चेक कराया से इतों पटेड़ी भी नज़र अच्छा पाया वा
गंगेसर तो उपर ही आया है जनाब चेक कर सको एक पानी ने पाइप लगा हुआ आई थिंक पानी ने लेन अच्छी या कोई चश्मा आया इतना है जनाब चेक करो ये पानी इतना अच्छा और इतना है ग्लास भी चाहिए वे है जनाब माशाल्लाह है जनाब ये मैं इसमें चेक कराना था हमारे ख्याल या कोई लाइन होती या कोई चश्मा है उसकी पाइप दिखा गया इस पहाड़ी चुए पानी इसमें है मैं इस जड़ी रोड है इसने पर सफ़र किया या मैं पहले पटेड़ी आया गंगेसर आया गंगेसर तो बाद में ऊपर गया आया तो वापस आए रहे असा जनाब जमीर साहब पहले तो बिल्कुल लेटे सन जल्द मैं आला शाला मारे तो उठी खलते मैंने को पुछना है कि जनाब तुस जिथे तको तुस होने हो बाजार जाओ अगर पेंचर लाने होने हो इधर धारे जाओ तो रस्ते अगर बैठे होने इन्होंने गप शप लाने हैं जी सरकार में अज सुने इलाके टकैट जो मदरसा है उतू चढ़े हैं उपर पटेड़ी गंगेसर तो मुड़ी तो बिल्कुल अपर टॉप हो गया रोड माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बनती है मैं तो पहली बार थकी है ठीक है लेकिन रोड बेहतरीन है माले इतना मुलाजम कौन है महकमे ने मुलाजम है थे बड़ी रोड पर इसने जाने रहना इसने कौन है अच्छा जाने रहना मतलब कि अगर वो आई जाए रोड बाकी पटन शटन कुछ नहीं हुई कितना अरसा हो गया इसकी बनती है वहाँ टाइम कोई हुई दस बड़ी गल है जी दस साल कोई उखड़ी छुखड़ी कौन है हाली है बट्टे सट्टे स्लाइडिंग ने वो जिले चौन चौन जड़े तो मी हल बहुत को है इसलिए क्या है घर कुछ है सोने घर है बुनने चाहिए ना तो कुछ लेटे भी हो इसलिए बस ये चिड़ारी ना हवा शवा बने हैं बस हाँ कैडी सोचा है जो सोचा है क्या जी सोचे क्या मारने हाँ इतने जंगल ही नहीं नहीं बस जंगल मतलब रहना हो तो बीमारियाँ जी चलो ठीक है मैं हूं जिले आया अच्छा तुम हेलो आए मैं तो पहले डरी गया पता नहीं कोई मारा ना पूछा कुछ मारा चलो ठीक है अल्लाह सोने वाला असा जनाब पहुंचे हैं कब्रिस्तान आई थिंक एक गंगेसर ना कब्रिस्तान है और इतने एक कब्र आइया ठीक है मुख्तार हुसैन कासमा बेगम राज बेगम रेशमा बेगम अता मोहम्मद हाजी अब्दुल मालिक चौधरी मोहम्मद बशीर नेक आलम वाल शाह मोहम्मद चौधरी बशीर साहब की कब्र भी था इतना बेशुमार कब्राइयाँ जिन्हें तख्तियाँ लगी हुआ और काफ़ी ज़्यादा कब्राइयाँ कुछ कब्र ऐसी भी हैं जिन्हें पर तख्तियाँ वगैरह नहीं लगी हुआ है जनाब ये जड़ियाँ कब्राइयाँ इतना तख्तियाँ वगैरह नहीं लगी हुआ कुछ कब्र पर लगी हुआ और ये गंगेसर ना कब्रिस्तान है मेरे ख्याल और इस साइड पर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मंजर नजर आया है नीचे भी कब्र लेकिन इन्हें कब्र तख्तियां को नहीं लगिया वा ए जनाब ये कब्र बिल्कुल इन्हें कोई तख्तियां वगैरह कुछ पर भी लगी रही बिल्कुल वो तैयार हुई वा लेकिन कोई पता नहीं कुछ नहीं कब्र हूँ एक और कब्रिस्तान है असा उतें जुसा वह कब्रिस्तान भी तुम चेक करा सा और यह जो कब्रिस्तान है ये गंगेसर ना माड़े ख्याल कब्रिस्तान है बिल्कुल नाजरीन इकराम में आज मैं पटेड़ी ने विजिट किया मुख्तलिफ इलाके ने वीडियो बनाई है जेड़े जेड़े मनाजर नज़र आए तुम दसे और जनाबे वाला गल कुछ इस किस्म नहीं है कि स्पेसिफिकली पूरे इलाके नहीं वीडियो सी ठीक है और ये जड़ी है ना वीडियो मैं कोशिश की है कि जो कुछ मिकी लगना सी मैं उसकी एक्सप्लोर किया या अगर तुसा स्पेसिफिकली अपने इलाके नहीं अपने घर नहीं अपने मकान नहीं फिल्म बनवाना चाहते हो राबता करी सकने हो और राबता नंबर मौजूद है तो उम्मीद है जी अज ना जो विलाग है तुम्हें पसंद आया उसी मिलसा इस तरह ने एक और विलाग अल्लाह सुनने वाला है।